नमस्कार जी आंटी, हम कहाँ जा रहे हैं? बेटा, हम कीट सुहाओ की तरफ जा रहे हैं। ये कीट सुहाओ बहुत हाइट पर है और अच्छी जगह है, बहुत खूबसूरत जगह है, बहुत हाइट पर है और यहाँ की बहुत खूबसूरत ये पिकनिक पॉइंट है। मुझे तो बहुत पसंद है ये। ये वादी है, पीर सुहावन है वादी। इधर देखे ना, पहाड़ नीचे की तरफ ये सारी वादी है। बेहतरीन, बहुत खूबसूरत इस्लामाबाद की लोग पिकनिक पॉइंट है ये, बहुत खूबसूरत जगह है। ये देखिए, इधर मोड़ आते हैं, ये इधर टर्न आते हैं। इधर ना गाड़ी को आपको स्टॉप नहीं करना चाहिए। जिस तरह ये टर्न आएंगे ना, आपको पूरी अपनी स्पीड से ऊपर चढ़ना पड़ता है, वरना खुदा ना खासा गाड़ी के जो रुक जाए ना, तो बहुत ख़तरनाक होता है। इसलिए पूरी स्पीड के साथ इधर ना गाड़ी को ऊपर चढ़ाना पड़ता है। ये देखिए, इसके मोड़ कितने ख़तरनाक होते हैं। अभी ये तो कम नहीं, इतने नहीं है, ऊपर बहुत ज़्यादा होते हैं। ये नीचे उतरते वक्त आप ब्रेक पर पाँव रखें हमेशा, ऊपर चढ़ते वक्त आप एक्सीलेटर फुल, जहाँ ज़रूरत तेज हो एक्सीलेटर की वहाँ एक्सीलेटर दे, और बेहतर है कि ऐसी को भी बंद कर दे। ऐसी की वजह से भी ना हमारी स्पीड कम हो जाती है। गाड़ी बेहतर होगा, वरना मर्जी है जो गाड़ी चलाने वाले अपने हिसाब से चलाएं। ट्रांस इसमें बहुत आते हैं, जाते हैं लोग, मोटरसाइकिलों पर भी जाते हैं, एक्सपर्ट होते हैं, कोई मसला नहीं होता। गाड़ियों, छोटियों गाड़ियों पर भी जाते हैं, हर तरह के इसमें जाते हैं, बस ध्यान रखना पड़ता है इसमें। ये देखिए, मोटरसाइकिल वाले जा रहे हैं, लड़के जाते ही हैं लोग। और बच्चों, आपको यहाँ का वेदर कैसे लगा, किस तरह का लगा इस्लामाबाद? मज़े का लगा जी, मज़ा आया, अच्छा लगा आपको? बहुत अच्छा। मैं आपको घुमा फिरा रही हूँ, तो इंजॉय किया ना आपने जी? एक यादगार ट्रिप होगा आपका ये जी। मोटरसाइकिलों की स्पीड कम होती है ना, ये हमारे राह में रुकावट भी इतने से डाल सकती है। इसलिए बेहतर होगा कि आप इनसे आगे ही रहें। जिनकी गाड़ी की स्पीड कम होती है, बाज़ का ऐसा टर्न आ जाता है ना, जहाँ आपको ऊंचाई पर जाने के लिए पूरी फुल स्पीड की आगे है मोड़, दो तीन आपको दिखाती हूँ इसमें चलाते हुए गाड़ी। तो ये देखिए, दामने को आ गया। ये बहुत खूबसूरत पॉइंट है, ये बहुत खूबसूरत पिकनिक पॉइंट है, बहुत ज़बरदस्त है। लेकिन इसके लिए बहुत टाइम चाहिए होता है, बहुत। इसके लिए अभी हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि इधर भी जाएं और ऊपर पीर सुहावा की तरफ भी जाएं। इसलिए एक वक्त में एक जगह बेहतर होता है कि बंदा इंजॉय करे पूरी तरह। देखो कितनी स्पीड से मोटरसाइकिल जा रहा है। जो एक्सपर्ट होते हैं, चलाते रहते हैं, यहाँ के रिहायशी हैं ना, वो आदि होते हैं। ये देखो, अप्स एंड डाउन, ये डाउन की तरफ आ गया, वो देखिए ऊपर जा रहा हाइट, वो अप आ गया। ये देखिए, इधर पूरी स्पीड देनी पड़ती है एक्सीलेटर। ये देखिए, अगर ना देना हमारी गाड़ी रुक जाए ना, हमारे लिए बहुत ख़तरनाक होता है ये। इधर बस गाड़ी चलाना है ना, ज़रा बहुत ध्यान से, जो बहुत अच्छी तरह चलाते हैं ना, उनको चलानी चाहिए गाड़ी। अब मेरी आगे गाड़ी है, इसकी स्पीड बहुत स्लो है, लेकिन मैं इसको कोशिश करती हूँ ओवरटेक करूँ इस गाड़ी को। ये मेरे रास्ते में रुकावट डाल सकती है ये गाड़ी।
ये देखे कितना, ये देखे टर्न आया है हाजिर नाजरीन, ये देखे ये टर्न आया इसको मैं, ये देखे ये कैसा टर्न आया, ये देखे ये खतरनाक टर्न है, बहुत खतरनाक टर्न है, ये देखे ये मोड़ बहुत खतरनाक, ये इधर से ये वाले से मोड़ है ना, आप इधर वैली नज़र आ रही है, वैली दिखाएं नीचे नीचे की तरफ दिखाना आप, वो देखिए कितना खूबसूरत व्यू नज़र आ रहा है वो फैसल मस्जिद का, देखिए कितनी बेहतरीन लोकेशन है, ज़बरदस्त माशा, यही तो खूबसूरती है यहाँ के पीर साहब के ऊपर, पहाड़ के ऊपर चढ़े मरगना के पहाड़, इधर ये फिर टर्न आया, इधर मैं गाड़ी को एक्सीलेटर पूरा दबा रही हूँ, इतना प्रेशर पड़ रहा है मेरे एक्सीलेटर पर, फिर कहीं जाकर ये जैसे पावरफुल इंजन वाली गाड़ी होती है ना वो सही रहती है, ये देखे ना टर्न कैसे आ रहे हैं आप व्यूअर्स, इधर से देखिए कितना ऐसे टर्न आया, ये देखे फिर टर्न आ गया, फुल स्पीड के साथ अपनी गाड़ी को चढ़ाएं पूरी स्पीड के साथ, ये देखे ये टर्न है ना, ये टर्न्स होते हैं ना सब मोड़ जो होते हैं ना, इन मोड़ की वजह से पीपी स्वभाव में ना ज़रा, ये देखें बहुत ध्यान रखना पड़ता है, सड़क भी वन वे यानी एक ही रोड है, उस पर से एक जाने का और एक आने का, इसलिए बहुत ख्याल रखना पड़ता है, मैंने एसी को इसलिए बंद कर दिया है कि मुझे फुल इंजन की वो चाहिए होती ताकत, कुछ ताकत, अब खोल भी सकते हैं लेकिन देखते हैं फिर मेरा क्या असर होता है इसका, ये नहीं मुझे इंजन पर जोर पड़ता है, ये हाइट की तरफ जाते हैं ना हमारी जब, तो पूरा इंजन को जोर पड़ता है, उतरते वक्त अलबत्ता हमारा ना एक्सीलेटर से पाँव हटा दें और सिर्फ ब्रेक पर, ये देखिए फिर मोड़ आ रही है, ये पूरी स्पीड के साथ आ चल, ये देखिए कैसे गाड़ी सामने से आ जाती है, ये इस वजह से ना फिर सुबह उठे ना जाने का, ये देखिए ऊपर नीचे आप चंडा उधर से वेली दिखाना, कितना ज़बरदस्त पूरा इस्लामाबाद नज़र आता है इधर, ये देखिए मेरी गाड़ी आ रही है, मेरी हवा देना शुरू कर दी है, इधर से फिर ऊपर से ना आ रहा है मोड़, पूरी स्पीड के साथ हमें चढ़ना है, पूरी स्पीड के साथ रुकना नहीं है, ये देखिए कितना मुश्किल मोड़ था, ये तीन चार मोड़ है ना यहाँ की, एकदम वेली दिखाओ पूरा इस्लामाबाद का व्यू यहाँ से नजर आता है, जो दूसरे शहरों से आते हैं मेरी तो ख्वाहिश है कि वो सब ज़रूर यहाँ आए, कितनी दूर से आप लोग आते हैं इस्लामाबाद घूमने के लिए, तो अगर ये ना देखें तो मुझे कहती हूँ इस्लामाबाद फिर क्या देखा, तो फिर असल चीज़ ये है पीर साहब दामने को, उधर से देखा इधर से मोड़ आ रहा, देखिए कितनी ऊँचाई पर मोड़ आ रहा है, देखिए ये देखे ये देखे टर्न आ रहा है, ये देखे ये टर्न आ रहा है, ऐसे रास्ते हैं ना ये काट कर पहाड़ों को बनाया गया है ना, इसलिए इस तरह से ऊँचे नीचे, ये देखो फिर ये देखो इधर से मोड़ आ रहा है, हॉर्न देने ना बेहतर, ये देखो ये देखो कितना बेहतरीन कितनी खूबसूरत लोकेशन नज़र आ रही है, कितनी ज़बरदस्त लग रही है व्यू, देखें ना कैसे कुदरत के नज़ारे, पहाड़ों की जैसे पत्थर हैं
ऐसे उधर देखो कितनी खूबसूरत है, कितनी जबरदस्त लग रही है। अब इधर देखें, इधर मोड़ आ गया, इधर देखो ये बड़ा, ये भी बड़ा ऊंचा मोड़, ये देखें पीछे मेरी गाड़ी आती है, ज़रा मेरा आहिस्ता होती है और मुझे हॉर्न देती है। यहाँ पर रुकना नहीं होता ना, यही बात है, जहाँ खुदा ना खासा रुक गए उधर आपके साथ मसला हो सकता है। बहुत स्पीड से चलानी पड़ती है गाड़ी और पावर के साथ, इंजन के पावर के साथ। ये देखिए कितनी हाइट आ गई, ये तो पूरी इंजन को ताकत देगा ना, एक्सीलेटर पर पाँव रख के ना, एक्सीलेटर पर पाँव रख के पूरी ताकत के साथ ऊंचाई पर ना, हम छोड़े ना अपने एक्सीलेटर से पाँव को ना छोड़े, हटाए ना, जहाँ पर नीचे आ गया उधर से हटा लें। ये देखें, ये पॉइंट है ना, इधर से ये देखें मोनाल 3 किलोमीटर रह गया। ये हमारा इस तरफ से जाने का उस तरफ से ये ख़तरनाक मोड़ था, ये काट के ना देखें इन्होंने डबल रास्ते दे दिए, उधर से जाने का रास्ता हो गया और हमारा वापस वापसी का रास्ता इधर से जाने का रास्ता हो गया। ये पीछे गाड़ी में सबसे मुझे हॉर्न दे रही है, ये इधर से देखें, ये भी देखें, ये इसलिए मोड़ दिए हुए ताकि ये हमारे उधर से गाड़ी ताकि जा सके, खुदा ना खास्ता एक्सीडेंट ना हो। एक्सीडेंट से बचने के लिए उन्होंने सेंटर में ना ये डबल कर दिया रोड को, उधर से हम निकले तो वापसी वाले उधर से जाए, इधर से जाने का ऊपर से रास्ता है। ये देखिए ये हाइट आ गई, एक्सीडेंट हो फुल मैंने पाँव रखा हुआ, स्पीड से ना अपनी गाड़ी को इधर से लेके आ गया तो मैंने एक्सीलेटर से पाँव हटा दिया, ये फिर हट सकती है मैंने, ऐसे ही आप करें। ये देखें जहाँ स्पीड कम करनी है ना एक्सीलेटर से पाँव हटा दें, ये देखिए अब मैंने फुल एक्सीलेटर, कितनी हाइट है फुल देख रहे हैं आप सब, इसका जो हाइट है पूरी हाइट मेरी गाड़ी को पूरा जोर लग रहा है एक्सीलेटर पर ना। अभी जैसे ही नीचे आएगा मैं एक्सीलेटर से पाँव हटा दूंगी। ये देखो नीचे आया, एक पहले पीछे वाला बंदा बड़ी गलती कर रहा है, उसकी गाड़ी इतनी नहीं है, छोटी गाड़ी है, लेकिन वो आगे ओवरटेक करने की कोशिश कर रहा है। ओवरटेक कभी गलती से मर कर भी ना यहाँ करें, खुदा ना खास्ता, क्योंकि एक सेकंड में पता नहीं होता हमारी आगे से इस तरफ से आगे से गाड़ी आ रही है, इधर से पीछे मेरी से ओवरटेक करेगा तो आगे गाड़ी आ रही है कि, तो कहाँ कैसे बचा सकेगा अपने आपको। जल्दबाजी का काम बिल्कुल नहीं करना चाहिए, बहुत ध्यान से ख्याल से इन रोड्स पर ना जाना चाहिए, ये नहीं कि ओवरटेक सवाल ही ना पैदा हो कि यहाँ से आप ओवरटेक करें, ये आम सड़क नहीं है, आम जगह नहीं है कि आप ओवरटेक करें। इधर से देखें, ये देखें, ये देखें उधर से गाड़ी आ रही है, और ये अगर ओवरटेक करेगा तो कहाँ से जाएगा वो बंदा पीछे ओवरटेक करने, उधर से गाड़ी आ रही है। इधर ये देखें कितनी हाइट आ गई, ये देखें हाइट आ गई, ये देखें वो देखे बंदर नजर आ गए, यहाँ पर बंदर बहुत होते हैं। ये देखे ये चीज़ है कि खिड़कियाँ खुली हो ना तो चीज़ यानी कि छीन कर भाग जाते हैं, मोबाइल फ़ोन ले जाते हैं, आपका वॉलेट होता है, कोई चीज़ भी होती है वो ले जाते हैं। वो देखो गाड़ी की स्पीड कम हो गई, इस बंदे ने ओवरटेक कर रहा है, ये गलत कर रहा है, आगे चलो आगे से अगर नज़र नहीं आया ना, देखो व्यू ज़्यादा है तो फिर ओवरटेक कर सकते हैं, व्यू में आपको ज्यादा नजर आ रहा है आगे तक, लेकिन ब्लाइंड मोड पे बिल्कुल भी ना करें। ये देखो
रही है। अब नीचे नीचे जा रही है गाड़ी, कितनी हाइट ले रही है। अब इसको ब्रेक मैंने एक्सीलेटर से पंप हटा दिया, अब चला रही है, अब चला फुल एक्सीलेटर। ये मोड़ काटते मोड़ के साथ साथ गाड़ी इधर गाड़ी बहुत स्लो चला रहा है, इतनी स्लो नहीं चलानी चाहिए इसको, इसकी वजह से मेरी भी स्लो चल रही है। यहाँ जब मैं ट्रिक करती हूँ इसको जहाँ मुझे जगह सही मिले, ये देखे 1 किलोमीटर रह गए मनाल सुहावा। ये मनाल तक फिर सुहावा नहीं है, फिर सुहावा बहुत ऊंचा है, बहुत हाइट पर आगे तक जाता है। ये मनाल फिर सुहावा नहीं है, बहुत आगे जाके आपका फिर सुहावा आता है। ये नहीं कि मनाल यहीं पर हो जाता है, मनाल पर ही एंड हो जाता है। इधर से हवा आए ऊपर से थोड़ा मुझे याद नहीं रहा। इधर बहुत फ्रेश हवा होती है, बहुत ज़बरदस्त, इतनी अच्छी ठंडी ठंडी हवा होती है। इधर का टेम्परेचर भी इस्लामाबाद से बहुत ज़्यादा फर्क होता है, बड़ी ठंड प्लेजेंट हवा होती है, बहुत प्लेजेंट इसके यहाँ का ना माहौल होता है, मौसम होता है, बहुत ज़बरदस्त। इधर बारिश हुई हुई है, सड़कें देखें बस गीली हैं, और कैसे पहाड़ और दरख्त कितने लश ग्रीन हो रहे हैं, कितने खूबसूरत हो रहे हैं, ज़बरदस्त। हर चीज़ जैसे धुल जाती है ना वैसे ही मौसम हो रहा है। ये 500 मीटर तक रह गया, इसका मतलब 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, 500 मीटर लिखा हुआ है ना, इसका मतलब यही है। मुझे हिसाब किताब इतना नहीं, मेरा तेज कमज़ोर है थोड़ा, मुझे इतना मीटर किलोमीटर का हिसाब नहीं आता। देखिए जगह कम है तो कैसे गाड़ी पूरी की पूरी उसमें रिवर्स होके आगे जाने में टाइम लिया उसने, जगह छोटी है ना, सड़कें छोटी हैं। ये आ गया अब कितना रश है, गाड़ियाँ तो पार्किंग की जगह नहीं है। बंद कर, मोबाइल बंद कर, बंद कर।